जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ते ही जा रही है, जहां यह संख्या पहुंचकर अब 252 हो गई है। 26 जनवरी को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 88 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव आए। पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों के 49 ठीक हो जाने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। इस प्रकार जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 252 हो गई है। इन सभी मरीजों का होम आइसोलेशन में उपचार किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 252 हो गई है। वहीं 26 जनवरी तक कुल 9,748 मरीजों के सैंपल पॉजिटिव आए हैं। इनमें से 9,426 मरीज ठीक होकर घर जा चुके, तो वहीं अब तक 70 मरीजों की कोरोना से मृत्यु हो गई है। और वहीं अब 26 जनवरी को 664 मरीजों के सैंपल प्राप्त किए गए हैं। वहीं 26 जनवरी को कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों में खैलाजी क्षेत्र के 10 मरीज, बालाघाट नगरी क्षेत्र के 39 व ग्रामीण क्षेत्र के 4, कटंगी नगरी क्षेत्र का 1 व ग्रामीण क्षेत्र का 1, किरनापुर क्षेत्र के 7, लालबरा क्षेत्र के 9 और लांजी क्षेत्र के 4 व परसवाड़ा क्षेत्र के 5 यों वारासिनी ग्रामीण क्षेत्र के 4 व नगरी क्षेत्र का 1 मरीज शामिल है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की निरंतर बढ़ रही संख्या को देखते हुए बालाघाट जिला प्रशासन ने आमजनों से अपील की है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले और घर से निकलने पर मास्क अवश्य लगाए, 2 गज की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ वाले स्थानों एवं कार्यक्रमों में जाने से बचें। ब्यूरो रिपोर्ट।